मरोल पाइपलाइन इलाके में शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन। ख्वाजा गरीब नवाज नियाज कमेटी की तरफ से मरोल पाइपलाइन के द ग्रेट इंदिरा नगर इलाके में एक शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर रोजेदारों के अलावा कांग्रेस के नगर सेवक जगदीश अमीन, एनसीपी के नेता सलीम माफखान सहित सहार पुलिस स्टेशन के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इन सभी ने मुस्लिम समाज को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सामूहिक रूप से किए जाने वाले रोजा इफ्तार से लोगों में आपसी एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। एक पाक महीना है, इबादत करने वाले दिन है, साथ ही साथ सभी खाली यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम बांधव खाली इसमें शरीक होते हैं, इसमें हर मजहब के लोग साथ में आके इफ्तारी का पार्टी का सभी इफ्तारी को ऐसा समझते हैं कि हमारा त्यौहार है, हम लोग रोजा रखे हुए उसका रोजा भी खुलने का जो हम लोग हिंदू लोग क्रम है उनका जो पद्धत है वो देख के हर साल मैं आता हूँ और हर साल इस तरह ये लोग धूम से एकदम अच्छी तरीके से शांति से भाईचारे से एक साथ रह के काम कर मतलब इफ्तारी का कार्यक्रम। तो एक बहुत मुबारक महीना है जो जा रहा है, इसका बड़ा दुख है, लेकिन दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह फिर आते साल जल्दी आवे ताकि हम फिर से इबादत करें। और जैसे आप हिंदुस्तान के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, जैसे हम सब मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सारे त्यौहार जैसे होली दिवाली रमज़ान ईद जो हम मनाते हैं वैसे ही हम प्यार मोहब्बत से मनाते रहे, ये एक पैगाम जो यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी है जो ये इफ्तार रखती है, तो ये इस माध्यम से ये पैगाम देना चाहती है कि हम सब मिल के एक त्यौहार मनाते हैं, साथ में खाते हैं। सबसे पहले सभी देशवासियों को हमारी पुलिस की तरफ से रमज़ान की और आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इफ्तार का जो प्रोग्राम रखा है वो सिर्फ मुसलमान भाइयों का प्रोग्राम नहीं है, ये सब समाज के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए प्रोग्राम रखा हुआ है, पुलिस को भी शामिल किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गरीब नवाज कमेटी का कि जिन्होंने हमको भी इसमें शरीक करने का मौका दिया और इससे ही देश में एकात्मता की भावना जो बढ़ने वाली है और इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हम लोग को मिलने वाला है और हम लोग को भी काफ़ी हद तक इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संदेश भी है, सभा भी मिलना चाहिए, इसके लिए काम हम लोग किया जाता है। संदेश क्या माला, हमारा देश शांति से रहना चाहिए, सुकून से रहना चाहिए, हमारा आने वाला पीढ़ी हिंदुस्तान के अंदर शान से चलना चाहिए, इसके लिए हम लोग रमज़ान का महीना वो चीज़ के लिए हम लोग दुआ करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज नियाज कमेटी की इफ्तार पार्टी का करने का उद्देश्य यह है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम कमी एकता को बना के रखने का, हम हिंदुस्तान के अंदर जो भी धर्म का लोग है हम एक मैसेज देने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान हम लोग एक है, एक होकर हम सब मिलकर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इसमें आपका देखिए सार चौकी के सीनियर यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे माजी नगर सेवक भी यहाँ पर है, हमारा मोहम्मद सलीम खान भी यहाँ पर है, तमाम जो लोग हैं अलग अलग कास्ट है, हिंदू के मुस्लिम सिख है सिख ईसाई सबको लेकर हम यहाँ पर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। हमारा एक मैसेज है, गरीब नवाज जो है ये देश के अंदर जब आया तो एक अमन और शांति के पैगम लेकर आया, वही गरीब नवाज कमेटी ये है और सबको अमन और शांति के पैगम देने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करता है। ख्वाजा नवाज गरीब कमेटी हमारे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में है, उन्होंने आज इफ्तार पार्टी अरेंज किया था, हमें बहुत अच्छा लगा, इसमें कुछ इससे हम बहुत बढ़िया कॉम्युनल हारमोनी हासिल कर सकते हैं, बहुत सब लोग मिल के इकट्ठा बैठ के ये शेयरिंग है जो अपना जाति धर्म सब भूल के सब ओनली भारतीय ये जो कंसेप्ट है अपना सब मिल के बैठ के रहेंगे अच्छा बात करेंगे तो उससे कॉम्युनल हारमोनी से अपना समाज बहुत सुंदर तरीके से जी सकता है, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने हमको ये पार्टी में शरीक किया और हमें उनके साथ
कुछ सुहाने पल एंजॉय करने की संधि दी, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज नियाज कमेटी के लगभग सभी पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें बाबुल्ला सिद्दीकी, अकील खान, हलीम खान, अरशद सिद्दीकी, मुख्तार सिद्दीकी और मुकर्रम शेख खास तौर से मौजूद थे। राजबिंद्रा और मुकर्रम शेख के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।